हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे छोले की सब्जी। वैसे छोले की सब्जी तो हर किसी ने खाया होगा, चाहे वो छोले भटूरे हो या छोले चावल हो, पर आज जो हम छोले की सब्जी बनाएंगे वो थोड़ा सा अलग होगा। अब इसमें अलग क्या होगा, इसको जानने के लिए पूरा वीडियो को देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो इसके लिए मैंने 250 ग्राम छोले लिया, जिसको मैंने रात भर भिगो के रख दिया था। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे इसको मैंने प्रेशर कुकर पे डाला। उसके बाद मैंने इसमें नमक डाला और कुछ खड़े मसाले डाले, जैसे कि तेज़पत्ता, लौंग और बड़ी इलायची। अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हो, अगर नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। इससे छोले का स्वाद और थोड़ा बढ़ जाता है। उसके बाद हम कुकर को कवर करेंगे और 3 से 4 सीटी आने तक अच्छे से बॉईल होने देंगे। मुझे कमेंट पे बताना आप लोग में से कितनों को खाना बनाना पसंद है। वैसे ना हमारे यहाँ बोला जाता है कि ना अगर पढ़ाई लिखाई ना भी हो तो चलेगा, पर खाना बनाना आना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि लड़की ससुराल में ना सबको खाने से ही खुश रख सकती है। तो हमारे यहाँ तो ऐसा था कि कुछ हो ना हो, कुछ पढ़ाई लिखाए ना आए, पर खाना तो ज़रूर बनाना चाहिए। तो मैंने धीरे धीरे इस पर सीखा। पहले मेरे से सारा खाना जल जाता था, फिर मैं धीरे धीरे ये सीख गई और आज मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना बनाना। हर दिन कुछ ना कुछ अलग बनाने का मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जब तक हमारा छोले बॉयल नहीं हो जाता, हम दूसरे साइड पे मसाला बनाने का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक जार पे एक टमाटर लिया है, उसको 2 हिस्से पे काट लिया है। 7 से 8 लहसुन लेंगे, 2 हरी मिर्ची लेंगे और बारीक कटे हुए अदरक लेंगे। उसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे जिस पे हम तेल डालेंगे और तेल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। जैसे ही तेल गर्म हो जाता है तो एक हम छोटा चम्मच इस पे जीरा डालेंगे। वैसे मुझे ये बताओ, किस किस को राजमा चावल ज़्यादा पसंद है या छोले चावल? वैसे तो मुझे दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद है, पर मुझे ऐसा लगता है कि छोले का असली स्वाद ना भटूरे के साथ आता है। तो मैं जब भी छोले बनाती हूँ तो भटूरे तो बनाती ही हूँ। उसके बाद हम उसमें प्याज, बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे। हम प्याज को भूनना शुरू करेंगे। प्याज को हमको थोड़ा काफ़ी देर भूनना है, इस पर हमको थोड़ा सा मेहनत लगेगा। उसके बाद जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएंगे तो हमने जो पेस्ट बनाया था टमाटर और अदरक लहसुन का, उसको हम डाल देंगे। अब जो हमारा पेस्ट और प्याज है उसको भी थोड़ा सा अच्छे से भून लेंगे। हम इसको काफ़ी देर तक भूनेंगे ताकि हमारा जो पेस्ट है अच्छे से पक जाए और इसमें कोई कच्चापन ना रहे। जब मैं छोटी थी ना तो खाने के टाइम मैं बहुत ही ज़्यादा नखरे करती थी। वैसे तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग ही किए होंगे। मैं ना मम्मी को बहुत ही ज़्यादा परेशान करती थी। मैं मम्मी को बोलती थी सब्ज़ी में ना ये नहीं डालना, वो नहीं डालना, बड़ी इलायची नहीं डालना, काली मिर्ची डालना। तो जब मैं खुद बड़ी हुई और जब मैं खुद सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो ये आज जब ये सब चीज़ डालती हूँ ना तो मुझे अपने बचपन का दिन याद आ जाता है कि मैं कितने नखरे करती थी। बोलते हैं ना, अगर माँ अगर कुछ भी ना डाले और सिर्फ नमक और हल्दी से ही सब्ज़ी बनाए तो वो भी बहुत ही टेस्टी बनता है, जो हम कभी इतने सारे चीज़ डाल के भी नहीं बना सकते, क्योंकि माँ के हाथ खाना ही बहुत अलग होता है। आप लोगों से बात करते करते मुझे पता ही नहीं चला और हमारा प्याज भी अच्छे से भून गया। जब हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा उसके बाद हम इस पर हींग डालेंगे। हींग थोड़ा सा ही हमको डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, ताकि हमारा जो स्वाद है ना और बढ़ जाए हींग से। इस स्टेज पे गैस को बंद कर देंगे और प्याज को ठंडा होने देंगे। प्याज जैसे ही ठंडा हो जाएगा इसका पेस्ट बना लेंगे। फिर पेस्ट को अच्छे से हम भून लेंगे। फिर हम इस पे मसाला ऐड करेंगे। हमको बहुत सारा मसाला इस पे ऐड नहीं करना, क्योंकि हम जो ग्रेवी है उसको थोड़ा सिंपल ही बना रहे हैं। तो हम इसमें बस छोले मसाला, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च ऐड करेंगे। फिर मसाले को भी अच्छे से भून लेंगे जब तक ग्रेवी तेल ना छोड़ दें। बोलते हैं खाने को जितना प्यार से और मन से बनाओ ना, उसका स्वाद उतना ही बढ़ जाता है। जब मैं ऑफिस के लिए लेट होते रहती हूँ ना, तो मैं जल्दी जल्दी में सब्जी बनाती हूँ। कभी तो नमक कम हो जाता है तो कभी ज़्यादा हो जाता है, पर जब मैं ऑफिस लेके जाती हूँ ना तो बहुत सारे लोग तारीफ़ करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा खाने को बहुत ही प्यार से बनाती हूँ। मुझे लगता है कि अगर प्यार से खाना बनाते हो ना तो खाने का स्वाद ना दुगना बढ़ जाता है। अब इस स्टेज में हमारा मसाला अच्छे से पकने लगा है। आप देख सकते हो कि मसाला साइड से तेल छोड़ने लगा है। जैसे ही मसाला अच्छे से पक जाए ना, उसके बाद हम पूरे मसाले को कुकर में डाल देंगे और इसको अच्छे से थोड़ी देर के लिए कुकर में भी भूनेंगे ताकि ये अच्छे से और पक जाए। मसाला को कुकर में हमको 3 से 5 मिनट के लिए भूनना है, उससे ज़्यादा देर के लिए हमको नहीं भूनना है, नहीं तो मसाला कुकर के नीचे चिपक जाएगा और जलने लगेगा। छोले एक ऐसा सब्जी है जो हर किसी के साथ परफेक्टली बैठ जाता है। जैसे छोले को चावल के साथ खा लो, या भटूरे के साथ खा लो, या फिर रोटी के साथ खा लो, इसका हर एक के साथ बहुत ही अलग स्वाद है और बहुत ही टेस्टी लगता है। उसके बाद जैसे ही हमारा मसाला अच्छे से भून जाए तो हम इसमें छोले डाल देंगे जो हमने बॉयल किया हुआ था, और उसके साथ जो छोले के जो पानी है उसको भी डाल देंगे। हमको उसके पानी को फेंकना नहीं है, उसको भी हम इसमें बॉईल करने के लिए डाल देंगे। इसके बाद हम 2 हरी मिर्च डाल देंगे, जिसको हम 2 हिस्से में काट लेंगे। इसके बाद हम इसको 3 से 4 सीटी आने तक बॉईल होने देंगे।
अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको छोले को थोड़ा जल्दी पकाना है तो आप इसमें सोडा डाल सकते हो। सोडा से छोले जल्दी पक जाते हैं और खिले खिले बनते हैं, पर हमारे पास टाइम है तो हम इसको आराम से बनाएंगे बिना सोडा के। उसके बाद हम इसमें नमक डाल देंगे, क्योंकि हम वैसे भी मसाले में थोड़ा कम ही नमक डाले थे, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालिए। उसके बाद हम इसका लीड लगा के इसको 3 से 4 सीटी आने तक पकने देंगे। इसका ग्रेवी का इतना अच्छा खुशबू आ रहा है ना, वेट ही नहीं हो पा रहा है, ऐसा लग रहा है कब जल्दी से बने और टेस्ट करूं। वैसे मैं तो भूल ही गई थी आपको ये बोलना कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो 3 सीटी के बाद हम कुकर को ओपन करेंगे। ये देख सकते हो कितना परफेक्टली हमारा छोले बन गया है। ये रहा हमारा सिंपल ढाबा स्टाइल छोले। आप पूछोगे कि वीडियो में अलग क्या था, तो आपसे बात करते करते कब छोले बन गया पता ही नहीं चला। ये दिखने में जितना अच्छा लग रहा था खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।